हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल से अभी होंगे और होने चाहिए। तो गाइस, अभी अब उठ गए हैं क्योंकि रात को जल्दी सो गए थे, ठंड थी काफ़ी और थके हुए थे। और अशु अभी सोई हुई है। अशु उठ जाओ बेटा यार, सुबह हो गई। तो रात शाम को भी तो आप सो नहीं रहे थे, तो अभी उठ नहीं रहे हो। नींद छीद रही, उठो उठो बेटा, ब्रश करो, मुंह धो, और फिर उसके बाद नहाई नहाई करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। बाबा बना रही है रोटी, उठो। तू क्या कर रही है? फुलके बना रही है? वो बच्चों को मैं उठा रहा था, उठे नहीं। तू जल्दी उठ गई, वो उठे नहीं। मजा आया सोने सोने सुन सुन, बोलते यार ठंडे। हाँ, कड़म ये तो तूने शाम को बनाई थी ना, जो कि अभी बना रही है। की बना रही हूँ अभी। अच्छा, और गर्मा गर्म फुलके, और रजनी कुछ फुलके बना दिए हैं गोरे चिटे। चलो मैं तानिश को भी उठाता हूँ, वो वाशरूम गया शायद। तू बाथरूम गया था, फिर क्यों उठा? तो फिर सोना थोड़ी होता, ब्रश करना होता, मुंह धोना। सर्दी नहीं लगी तू, पता ही पानी गर्म है। ब्रश भी कर, मुंह भी धो। नहीं नहीं करनी, गर्म पानी है। मैंने गिर सुबह लगाया था ना, गर्म पानी देखा। अर्शू भी उठ जाएगी। अर्शू उठो बेटा, ये दोनों देखो कैसे चिरकुट सोए हैं, जैसे कि जैसे बरसों बाद मिले हैं, जैसे काफी देर के बाद मिले हैं। अर्शु है, उठो उठो। वो उठ ही नहीं रहे, मैं कब से लगा मिलकर, मगर पहले तानिश उठा था, बाथरूम गया था, तो अब मैं बाथरूम गया ढूंढने, ये फिर बिस्तर में आके सो गया। मैं उसको बोल रहा हूँ उठो जल्दी दीदी, ब्रश करो, मुंह धो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करनी है क्योंकि मम्मी बना रही है इसकी रोटी। गर्मा गर्म रोटी खाएंगी तानिश, तो सबसे पहले आपको उठना चाहिए। अच्छा उठो बेटा, जो जल्दी उठेगा उसको एक रोटी ज्यादा। आशु कितनी खाती है? तानिश चलो उठो फिर, अब उठो उठो। आज भी जम्मू में मौसम खराब है, बुरा हाल है। और मैंने सुबह सुबह देखो अपनी टाइल्स वगैरह धो दी हैं, और गाड़ी को भी धो दिया सुबह सुबह, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। रजनी झाड़ू मार रही थी, गेट से बाहर दिया नहीं क्योंकि बाहर एक बंदर बैठा हुआ था, डर के मारे आई नहीं अंदर। बोलती मैं नहीं जाऊंगी बाहर, आप निकाल देना। तो क्या बोल रही है, तूने क्यों नहीं निकाली? मंकी देखिए जी, इसको इतना बड़ा मंकी मिला था बाहर, और ये इसने गेट के अंदर ही गंद डाली। जब मैं देख रहा हूँ गेट के अंदर गंद क्यों डाली है, गेट के बाहर थी। अच्छा चलो मैं उसको निकाल दूंगा। और बच्चों को मैंने उठाने के लिए बड़ी कोशिश की पर वो उठ नहीं रहे, तो अब तू ही जा यार। है मैं तो जाती हूँ, तू ही जाओ, और अब प्यार से उठाना उनको, ठीक है? ये पर तानिश नहीं उठा, तानिश अभी सोया है यार, कसम से। वो पता नहीं कब उठेगा। तो एक लगाई तो उठना तो चाहिए ना यार, पर्दे बंद है, इसमें पता नहीं चल रहा है इसको कि सुबह हो गई है कि रात हो गई है। उठो उठो जल्दी, नहीं सुबह सुबह निकाल। उठ देखो, अच्छू भी उठ गई है, देखो अच्छू मुंह धो रही है। अच्छू मुंह धोया अपने, चुंदर चुंदर हो गई, ब्रश धोया, टॉवल कुर्सी पर होगा बेटा। दरवाजे के पीछे भी होगा ना बाथरूम के। छूट गई जल्दी, और अपने मुँह भी धो दिया, और भैया अभी सो रहे हैं। नहीं पर जल्दी आओ, पर पहले 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 आओ। ये देखो छूट गई, मेरी बेटी उठ गई, मेरी बेटी उठ गई। इनको सुबह सुबह प्यार करना पड़ता है ना, फिर ये उठते ही नहीं, तो तब उठते ही नहीं है यार। हम होते थे तो हमको डंडे से पटती, और उठ जाओ यार, उठ जाओ, काम छोड़ो, उठ जाओ। फिर हम उठते थे, घर वाले जाते थे खेत, हम बोलते थे आ रहे, हम आ रहे आ रहे आ रहे। तो वो जब हम खेत पहुंचते थे, उन्होंने आधा काम किया होता था, तो हम चुपचाप, मैं और बड़ी सिस्टर, हम छुप छुप के काम करते थे और भाग जाते थे। जब वो आगे आगे आते थे, पीछे पीछे हम भी घर को आते थे। बड़ा मजा था। और आज के बच्चों को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग किस करो, गुड नाइट किस करो, फिर बच्चे उठते हैं तो। और खाना बन गया? तो भूख लगी है मेरे को। फिर यार ये कुकर भी सीटी मार रहा है यार, क्या करती है तू? इसका कुकर भी सीटी मार रहा है और तू उठ नहीं रही थी। कुकर को भी पता चला बच्चे सोए, मैं सीटी मारूंगा, बच्चे उठ जाएंगे। लाइट भी चली गई, नींद आ रही। अभी अभी इधर किचन में नहीं सोना तो नींद आ रही, नींद आ रही, क्या नींद आ रही तेरे को? बढ़ गई। अच्छा सब्जी तैयार हो गई है यार, क्या देसी कड़म।
पर एक बात बोलूं, भद्रवाह का जो कड़म होता है ना, उसका जैसा टेस्ट इसके इस कड़म को नहीं है ना। ये तो उसके हाँ दिन के लिए। कौन सी दाल बनाई तुमने? राजमा की दाल। चलो अभी ये सब्जी से ही करेंगे गुजारा, क्योंकि सब्जियाँ आज इतनी महंगी है ना, गुजारा ही करना पड़ता है। और ये हमारी ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार हो गई है, अभी बच्चे खा रहे हैं खाना। अच्छू तो चाय पी, चाय फुल्का, सुबह सुबह चाय फुल्का खा रही है। सब्जी खाना बेटा पानी तो। और ये हर्षु तानिश क्या कर रहा है यार? सच्ची इधर नलके का पानी पता क्या, इसको हमें भद्रवाहियों को टेस्टी नहीं आता, कुछ ऐसे स्मेल जैसी लगती है जैसे इसमें कोई पाउडर वगैरह डाला हुआ है। तो कल भी हमने ये 2 लीटर की लाई हुई थी और आज भी लाई है, क्योंकि यार 2 दिन काटने हैं, तो मैंने बोला चलो यही पीते हैं, क्योंकि उससे टेस्ट नहीं आ रहा खाना बनाने के लिए, तो हमें उसको यूज़ कर रहे हैं। पानी क्या यार, मैं सुबह नहीं मोटर लगा रहा था, ऊपर पानी भी नहीं चढ़ रहा था, मैं गाड़ी धोने के लिए मैं चलो अब खाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज नहा धो के हो गया हूँ मैं फ्रेश, और बच्चों ने भी नहा लिया है, अब इनकी मम्मी यही नहाने के लिए, और बच्चे सेक रहे हैं। हीटर सेक रहा, ठंड लगी ना के तू चमक गया है। एक तो लाइट तो हमारे इधर रायपुर में लाइट ही नहीं दिखती, दूसरा बाहर का मौसम इतना ठंडा हो गया ना, आसमान में इतने इतने धमाके हो रहे हैं, वो बादल इतने छाए हुए हैं और बारिश लगी हुई। बाहर का मौसम यार इतना, यार कसम से बादल इतने, और अभी अभी इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, आसमान भी गाड़ गड़बड़ हो रहा था, बच्चे डर गए यार मेरे, बोलते पापा ये क्या हो रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा, मौसम ख़राब है और काफ़ी, और मैंने इधर सुबह साफ वगैरह किया हुआ था, अभी साइड को भी साफ़ हो गया है। अब ये डर नहीं, डर लग रहा है कि कहीं पत्ते उड़ के आ जाते ना, तो उसका डर रहता कि कहीं पत्ते हवा से उड़ते हैं और बाहर जितनी सफाई की है वो खराब ना हो जाए। हाँ आंखों में तंश भर रहा, कभी आंखों को भी बजते कहाँ बजे देखो तो। अभी मैं भी सीखता हूँ हीटर, क्योंकि काफी ठंड है बाहर, हवा चल रही है बाहर, इतनी ठंड है ना कसम से बुरा हाल है। और मैं और रजनी बैठे हैं अभी कंबल में, लाइट भी नहीं है, हीटर भी नहीं है, बैठे एक दूसरे सारे। और तानिश तू किधर गया? तानिश दुकान क्या लाया? रोटी खेली और खाने के लिए बाकी लाया चॉकलेट और टक टक। मैंने हमको चूना लगाया, उन्होंने क्या किया, हम उनकी मम्मा को बर्थ था, हमने गेम खेली, मैं हमको कुछ नहीं मिला, उन्होंने फ्री में हमको 2 चॉकलेट दे दी उसके नाम पे, फ्री में। हाँ नकली नोट दिए। ये नकली नोट क्यों लाए? अगर नहीं मिले ये कहाँ से लाए, घर से? नहीं मम्मी है ना, है दुकान से। ये तो घर में इतने पड़े थे, ये नकली नोट लेके आया है दुकान से, देखो ये असली लग रहे, पूरे लग रहे हैं जैसे असली। पर अगर जाओ ऐश करो, जाओ मेरी तरफ से आप पार्टी करो, ठीक है? और नोट ये वाला क्या था? बहुत कुछ था, मैंने भी 2 बार चॉकलेट मिला फ्री में उनकी मम्मा को बस। चलो बैठो आप कंबल में। उन्होंने बोला अगले बार आप आने, मैं आपके लिए बचा के रखूंगा। चलो चलो बैठो बिस्तर में कंबल में, अपने अपने बैठो क्योंकि लाइट भी चली गई है। तो खाना बन गया? क्या बनाया जी? दाल चावल सब्जी। कौन सी दाल बनाई है? राजमा की दाल कड़म की सब्जी से। राजमा की दाल बनी है, चावल और सब्जी बनी है। तो अभी तो टाइम कितना हो गया जी यार? 1 बज गया, 1 बज गया है, पर हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट किया था, तो अब खाना भी थोड़ा लेट खाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम जरा कहीं चक्कर वक्कर मारेंगे, तो तब तक करते हैं आराम क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है। हमने तो खाना, मैंने और मम्मी ने खाना खा लिया, और आप अभी खा रहे हो? चार बोल के खाए थे, 2 खाए तो एक, 2 खाए हाँ, और वो दूसरा बनाया था।
मम्मी ने कैसी अच्छी दाल बनाई थी? बड़ी टेस्टी। टेस्टी? चलो आप जल्दी खाना खाओ क्योंकि मम्मी बर्तन भी साफ कर रही है ना, तो फिर ये रह जाते हैं। वो बच्चे अभी खाना खा रहे हैं और चलो माजले को जाओ। बच्चे अभी खाना खा रहे हैं तो कुछ बर्तन पड़े थे, मैंने बोला आ चुका है वो रजनी करी उनको साफ, तो बच्चों ने भी खाना खा लिया। लहसुन भी खाए फिनिश हो गया। लहसुन ने भी खाना फिनिश कर दिया। अब रजनी ऐसे ही बर्तन माजती है, उसके बाद मैं आटा गूंदूंगा क्योंकि ये इसको गैस बनी है, कुछ समझ नहीं आ रही है। दिन को मैगी खाई थी ना, उससे कुछ बची नहीं इसको, तो अब मैं जैसे ये बर्तन मांझ के साफ साइड कर देगी उसके बाद मैं गूनूंगा आटा, क्योंकि सुबह के लिए गून के रखेंगे फ्रिज में ताकि सुबह आसानी होगी। तो अब करते हैं थोड़ी सा रेस्ट, उसके बाद गूनते हैं आटा। अभी मैं गून रहा हूँ आटा क्योंकि रजनी ने बर्तन मांझ दिए, तो मैंने सोचा मैं ज़रा उसकी थोड़ी ऐसी मदद करता हूँ क्योंकि सुबह एक दो दिन पर। तो पापा भी आटा गूंद रहे हैं ना पापा? तो अभी आटा गूंदेंगे तो सो फिर लेट भी उठेंगे ठंड में, तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। और आटा हो रहा है हमारा फिट। हाँ, कितना अच्छा होगा ये। इसको मार कितनी बज रही है? इसको मार ऐसे पड़ रही है जैसे मैं तेरे को मारता हूँ ना वैसे, क्योंकि काम करना नहीं तो किया तो फिर मार अच्छे तरीके से करना, नरम 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 नरम। कितना नरम हो गया? नरम नरम नरम। कितना नरम हो गया? बस हो गया, हो गया फिनिश। फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। फिनिश टच टच कुछ इसको बस, अब इसको थोड़ी सा पानी ऐसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आटा मैंने गूंद लिया है, अब रख दिया फ्रिज में। अब मैं आया हूँ रूम में, अब खुलते हैं स्वेटर वगैरह और बैठते हैं बिस्तर में क्योंकि बच्चे और सारे बैठ गए। मेरे को लगी काफ़ी ठंड क्योंकि ठंडा पानी था, हाथ मेरे ठंडे हो गए। हर्षु कर रही है, शायद किसी का फ़ोन आया है, उससे बात कर रही है। और ये तानिश हैं, टाइम 11:30 हाँ, तो अभी है हम 12 बजे सोते हैं। तो हर्षु कर रही है अपनी मासी से, किससे कर रही बात ये हैं, किससे बात कर रही है? मासी से कर रही है, अपने मासी से बात हो रही है, इतने जोर जोर से कर रही है जैसे डायरेक्ट बात कर रही है। अच्छा एक्टिंग देख, एक्टिंग। तो गाइज मैं भी फाइनली बिस्तर में आ गया हूँ, अब कर रहा हूँ सोने की तैयारी क्योंकि अभी बजे हैं 11:30 हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गया, फिर सुबह लोग उठना नहीं बनता है और लेट उठते हैं। बच्चे अभी सो गए हैं। तो आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। गुड नाइट, सी यू।